दसों उंगली बराबर नहीं है, ये बात तो सच है। सर हम भी सोचते थे कि मेरा भी शादी धूमधाम से, हम भी दुल्हन बने 12 बज, फिर यहाँ आने के बाद विमल का नाम जो इतना बड़ा लिखे इतना मस्त, पर हम आपको मैसेज रिप्लाई दे आप बोल के हम आई लव लिख के भेजते। Hey guys, welcome back to another part. ये है पार्ट 5 जो कि आप सबने पार्ट 4 में देख लिया है, बाकी आप सब पार्ट 5 में देखना। मेरा 2 दिन से तबीयत खराब है, आप सबको फेस में पता चल रहा होगा, तो आज फिर से बुलाया है डॉक्टर, तो फिर मेरा मेडिसिन वगैरह सारा खत्म हो गया। आप सब हमेशा स्माइल रहे, मुस्कुराते रहे हैं, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, तो आप सब बिना स्किप की वीडियो को देखना, पूरा समझना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लगा। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर देखते हैं तो इसका माइंड से दुख गायब हो गया है। बोलते हैं मस्ती करो, दुख को भुलाओ, सुख में घुस जाओ, बोलता है। वाह, हम विमल के साथ एक ही चीज के लिए आए थे, वो है कि इनका हेल्प करने के लिए। इनको कुछ भी नहीं आता था, कि ना ही चैट करना आता था, ना ही किसी से बात करने का आता था, तो ये सिर्फ वॉइस मैसेज करता था। आजकल थोड़ा चैट टूटिंग कर लेता है, तो अभी आपको फेल करने के लिए पीछे तुला हुआ है। तो हम सोचे कि चलो क्यों ना इनका लाइफ बना जाए। इनका जो है ना सिचुएशन बहुत खराब था, तो फिर हम इनके लाइफ में मतलब चलो दोस्त बन के आ गए, फिर हम इनका लाइफ सेट कर दिए। अभी वो अच्छे से खुशी से जी, नहीं तो ये भी नहीं मिलता इसको, इतना भी नसीब नहीं होता जितना मतलब इन्होंने यूट्यूब से कमाया, बहुत कुछ किया अपने फैमिली के लिए। चलो ये बात तो जैसे कि मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा चीज़ किया, जो गॉड मुझे भी कभी ना कभी कामयाबी या फिर सक्सेस करेगा। हाँ, किसी ना किसी मुसीबत में साथ देगा मेरे को, यही काम आएगा। हाँ, तो हमेशा आप भी किसी का लाइफ बनाने का कोशिश कीजिए, ना ही उसको बिगाड़ने का, ना ही किसी को टॉर्चर करने का। गलत कमेंट करने वाले तो होते ही हैं, करते रहेंगे, वो तो उनका काम है। हाँ, हर किसी का अलग अलग सोच होता है, एक ही सोच नहीं रहता है। हाँ, दसों उंगली बराबर नहीं है, ये बात तो सच है। ये भगवान का नियम है, पांचों उंगली एक भी कोई भी सेम नहीं मिलेगा, एक थोड़ा छोटा एक थोड़ा बड़ा बड़ा। हाँ सर, हम भी सोचते थे कि मेरा भी शादी धूमधाम से, हम भी दुल्हन बने। हम बोले कि सिमल को कि हम लोग मतलब तुम्हारा शादी धूमधाम से करेंगे। इसका पापा, रानी का पापा भी हम मेरे से बात किया कि हाँ रेडी हो गया था, बात करके फिक्स हो गया कि धूमधाम से होगा। नहीं, सिमल तो पूरा अलग ही चिल मचा हुआ है उसका। लेके ही जाएंगे बोल रहा है, वहाँ से हिल ही नहीं रहा है। इनका घर के सामने मोड़ो एक ठो जहाँ पे बस रुकती है, वहाँ से करने लगे। फिर हम लोग, तुम्हारा मम्मी बोल रहे थे ट्रेवल बस, ट्रेवल गाड़ी से चले जाओ बोल रहा था। बस नहीं रहा, ट्रैव नहीं मिल रहा था हम लोग जितना बात करने के बाद ना, तुम्हारा घर में बात करने के बाद हम लोग को ऑटो नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम हो गया था, 10 बज गया था ना, 12 बज चुके उसके, हम लोग को एक कार मिला था ना। हाँ चलो अच्छा हुआ हम लोग को वो इंसान मिल गया जो कि मतलब हम लोग का हेल्प किया। थैंक गॉड कि हम लोग वो मिल गया, नहीं तो हम लोग क्या करते, रात भर रुक जाते हम लोग का घर में, सो जाते, कहाँ जाते, वापस जाने मन नहीं करता, वापस आते ना तो हम लोग यहाँ नहीं आ पाते। हाँ ना, हाँ तुम फोन करके तुरंत बोल दी, इधर रात भर सो ही नहीं रहा था, परेशान करके रख दिया है हम लोग खुद रात भर। अरे रानी का कॉल आया, अरे रानी को लड़ाई हो गया, ये हो गया, हमको मतलब सुना रहा, बार बार सुना रहा है, क्या करेंगे, सोने ही नहीं दे रहा। फिर तुम्हारा ना, हाँ आप लोग का, मेरा नहीं, आप लोग का रूम में जाने से अच्छा। हाँ जाते जाते ना चार्ज नहीं था, उलूम मतलब इतना अच्छा इंसान मिला था ना, हम लोग को छोड़ दिया अच्छा मतलब जगह पे जहाँ पे हम लोग रूम लिए थे, जहाँ पे हम लोग होटल बुक किए थे, वहाँ तक पहुँचा दिए थे। फिर हम लोग सोए, फिर सुबह होते ही सुबह जल्दी उठ गया, लेकिन जल्दी नहीं सोया था। फिर था कि मेरा टिकट ऑलरेडी बुक था। बुक था, आप ही तो कर रहे, मम्मी का नहीं था। अच्छा हाँ, मम्मी का नहीं था, तीन का आपको नहीं। अच्छा हाँ, जाते टाइम रानी इसीलिए हो पाया था हम लोग। हाँ मम्मी का लोग एक्स्ट्रा करा लिए थे, मतलब टीटी से करवा लिए। हाँ टीटी से करवा लिए थे, उसके बाद आए मिले, फिर इनका हमको टैटू मतलब नाम लिखवाने का बहुत शौक था, तो लिख लिया कि बहुत छुपके छुपा के, ये जब सीमल हमको रानी प्यार से बोलता था ना, हाँ तब लिखा है। वाओ कांग्रेचुलेशन। फिर उसके बाद मतलब पहले मेरा नाम आरती था, देखिए अभी भी है, दिखाई नहीं होता, जब सीमल प्यार से रानी बोलता था आर लिखवा लिया था छुपके से, पापा को पता। तो उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद विमल का नाम जो इतना बड़ा लिखे इतना मस्त। मेरे को टैटू बनाने का शौक है, लेकिन अभी हम स्टडी कर रहे हैं और मुझे कुछ जॉब मिल जाएगी तो फिर इसीलिए।
जब कर रहे थे को देखो जब मिलने के बाद करना। हाँ जब मिलने के बाद करेंगे जरूर, टैटू करेंगे जरूर, छाती में हाथ लगा कर पीठ में कराएंगे। ये इधर वाला फर्स्ट मेरा टैटू है, मम्मी घर का याद लेके आना चाहिए बोलता है उधर से, तो ये लेके आए और पति घर से लेके जाना चाहिए बोलता है मरने से पहले। तो ये सीमल के मतलब सीमल का नाम। मेरा पीठ मतलब बोलता है, ये भी बोलता है, सब कोई बोलता है मेरा पीठ बहुत सुंदर दिखता है साड़ी पहनने से, तो हम अपने पीठ में बटरफ्लाई बनाएंगे। सीमल बोला कि मेरा नाम लिख लो हर जगह तुम्हारा नाम उसको दिखना चाहिए। वो चाहता है कि उसके अलावा मेरे को मतलब कोई उसको उसी के नाम से मेरे को सब कोई जाने कि हाँ हम उसकी वाइफ है। हम भी चाहते हैं कि उसी के नाम से मेरे को जाने, इसलिए तो हम अपना आईडी में रानी सीमल क्यों लिखे हैं, रानी सीमल। पर सोचते हैं ना पहले सीमल हो फिर रानी हो, तो ऐसे ही है बस नाम में थोड़ा रानी वो भी तो भी चले गए आगे पीछे, नाम तो है ना। देखो रानी मेरा नाम है, सीमल उनका नाम है, सरनेम नहीं जुड़ाता है बस, मतलब जुड़ाता है पर हम लिखे नहीं है। तुम ऐसे भी कर सकते रानी लकड़ा कर सकते रानी राजवर लकड़ा जो मतलब नहीं आधा एक्ट्रेस ऐसे लिखता है मतलब अपना मतलब अपना, अपना दोनों नाम मतलब मम्मी घर का भी और हाँ यहाँ फेमस करने के लिए। हाँ हम जानते हैं फिर भी हम मेरा नाम तो रानी नहीं है, नाम आती है पर ये लोग सब सब रानी बोल के रानी बोलता है सब। तो फिर रानी हो गया, फिर इसका नाम रियल नेम में आरती है, उसका पापा को भी नहीं पता था इसका नाम रानी है बोल के। सर स्कूल में सब मेरे को एक होता है ना जो झूला में नाम रखने का होता है, हाँ। तो नाम रखा जाता है, तो उसमें नाम दिया था आरती गुड़िया रानी और दो नाम क्या जो था नहीं याद आता हमको, तीन नाम जब याद आता है तो रानी नाम हमको अच्छा लगता था। तो फिर तुम्हारा नाम भी रानी होगी, फिर तुम बोलती थी शायद इसको कि मेरा नाम रानी है। नहीं है? मेरा जो मेरा पहले वाला इंस्टाग्राम आईडी था ना, हाँ। उसमें आई लव रानी लिखा था। हाँ 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 तुम मेरे को भी मैसेज की थी। आपको कब मैसेज की थी याद है? बोलेंगे बताइए। जब ये मेरे को इंस्टाग्राम से ब्लॉक किया था, व्हाट्सएप से नंबर से ब्लॉक किया था, इसलिए दीदी भी बात नहीं करती। ये ब्लॉक नहीं किया था, आपको की थी हाँ। तो इसका आईडी से की थी ना। दीदी भी नहीं उठा मैसेज कॉल और फिर कोई भी मतलब कोई रिप्लाई नहीं करता, तो आप तो इनके साथ रहते हमको ये याद आया। फिर सोची कि इनको आपको झूठ का मतलब आप ऐसे में आप भी रिप्लाई नहीं देते याद है, ऐसे नॉर्मल मैसेज में आप भी रिप्लाई नहीं, हमको बोले थे कि किसी को रिप्लाई मत दो ऐसे बोलती थी दीदी, तो फिर हम नहीं करते थे। पर हम आपको मैसेज रिप्लाई दे या बोल के हम आई लव यू लिख के भेजते थे। आई लव यू भेजी थी मेरे को बस इतना लिख के भेजे तो भैया रिप्लाई कर देते सब लग गया, तो हम बस सीमल से बात करने के लिए मतलब उनसे लिखा था ना। तो हाँ मतलब बहुत टाइम हो गया है, एक बजे करंट आ गया कि नहीं पता नहीं, पता नहीं आज रात कैसे तड़पते हुए सोएंगे आज रात। आ जाओ लाइन जल्दी से, कल दिन भर काम करना है। कल क्या आज दिन भर काम करना, कल सुबह नया घर दिखाएंगे फिर, हम तो नहीं रहेंगे मतलब ये लोग दिखाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, सिमल लग रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि उसी के चैनल में आएगा हमारे सपनों का घर का ब्लॉग। हाँ मैं सिमल के साथ महाराष्ट्र इसलिए गया था क्योंकि सिमल बहुत छोटा है और अभी भी छोटा है, वो उस टाइम में 13 इयर्स का था, अभी 14 इयर्स हुआ है उसका, अभी उसका 18 साल होने में बहुत टाइम है उसको, क्योंकि दुनिया कुछ नहीं जानता था उस टाइम, वो कुछ ना ही यूट्यूब के बारे में जानता था ना ही कुछ जानता था उस टाइम, मैंने सब कुछ उसको सिखा दिया है, ना ही चैट करना था उसको, अभी उसको बहुत अच्छे से चैट कर लेता है एंड बाहर दुनिया देख लिया अभी उसको, वो कहीं भी चले जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, अभी ऑल ओवर स्टेट सारा स्टेट चले जाएगा, अकेले चले जाएगा, वो इतना हिम्मत मिल गया उसको। तो उस टाइम की बात है जब सिमल रानी को भाव नहीं देता था, भाव नहीं देता था उस टाइम अपना उसको सिमल को, अब उस टाइम रानी के पास उसका घर का नंबर भी था चाचा का और मम्मी का, तो मम्मी से बोलता था कि अगर मुझे अपना घर भाव नहीं बनाओगे तो फिर मैं अपना जानून कुछ भी कर लूँगा अपना, ऐसे अब करता था बताओ, ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि सीमल अभी छोटा है और रानी 18 इयर्स, अभी तो 20 इयर्स हो गई है, उसको समझना चाहिए ये छोटा है बोल के। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और हमेशा अपना लाइफ में मुस्कुराते रहना, ठीक है।